ब्रह्मांड नववर्ष उत्सव देश की राजधानी दिल्ली में 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव करने जा रहा है, जो प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक विज्ञान के अपने अद्वितीय संश्लेषण के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है, जिसकी जानकारी आज दिल्ली में केशव भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। आपको बता दें कि यह उत्सव एक रिकॉर्ड सेटिंग प्रयास के साथ शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रचंड स्वर में एक साथ बजाए जाने व 11,000 शंखों की शक्तिशाली गुंज संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करेगी। श्रुति या ऋषि पुत्र ऋषिवर हरि प्रकार ने बताया कि पवित्र शंख की गुंज हमारी क्राउन चक्र से बहती ऊर्जा को इस लोक व आयाम से पार ले जाने में सक्षम है। वे हमारे भीतर देवत्व को जगाने वाली और सार्वभौमिक शांति और उत्थान की एक नए युग की शुरुआत करने वाली अद्भुत घटना है। प्रतिष्ठित विद्वान यज्ञाचार्य श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ अयोध्या डॉक्टर धर्मशास्त्राचार्य बालकृष्ण कौशिक जी बताते हैं कि महायज्ञ में आहुति डालना आत्मा विभोर करने वाला अनुभव होगा, जो उपस्थित लोगों को आत्मा का भोजन प्रबल मानसिक शांति प्रदान करेगा। सबके ग्रह दोषों का निर्वाण होगा। जगत जनन माँ चितंबा का कृपा पात्र बनेगा। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। इतना है उसका भी कुछ न कुछ तो वाहक होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब धवनी तरंगे, जब शंख नाद, जब आयाम को भेदेगा तो उसके साथ हमारी जो चेतना है वो भी उसके ऊपर आरूढ़ होके उस आयाम को भेदने में सक्षम हो जाए। तो इसको तो आध्यात्मिक भाव से और भौतिक भाव से ये जब बच्चे उस कालखंड में वहां पे होंगे, जब इतने सारे ब्रह्म देवता वहां पे मौजूद होंगे, यज्ञवेदियां वहां पे होंगी, एक अलौकिक वातावरण वहां पे होगा, और जब शंखनाद वहां पे इतना प्रचंड किया जाएगा तो सभी की रीढ़ झनझनाएंगी। सभी वहां पे जो मौजूद गण होंगे उनको लगेगा कि हमने ये क्या पा लिया, ये आवश्यक होना ही होना है, और हर एक व्यक्ति हर एक ऊर्जा पुंज के साथ होना है। तो उसे अनुभूत गम में किया जाए व्यक्तियों के, बच्चों के, माताओं के, बहनों के, इसको ध्यान में रखे तो शंखनाद का प्रकल्प किया गया है, ताकि एक ऐसा एक घटनाक्रम घटे जो विश्व पटल पर प्रचारित भी किया जाए, ऊपर पार्टी बन जाए, जो शंख का प्रचार हो और शंख घरों के अंदर भी स्थापित हो जाए। अगर घरों में एक बार, हम दिन में केवल एक बार या कम से कम सप्ताह में दो बार इसका हम कर ले आवर्तन, इसको शंख ना दे, तो अनेकों अनेक रोग, सनातन नाम में थोड़ी है, सनातन तो आचरण में है। ऋषियों ने जो ज्ञान बताया उसको हम धारण करेंगे तभी तो एक प्रबुद्ध जीवन जी पाएंगे। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।